एक दूजे के वास्ते। बंटी और कंचन, क्या बात कर रहा है श्रवण, सही बता। आप सबको ऐसे झटका क्यों लग रहा है, जैसे कोई? मैंने नहीं लगी झटका वटका, हो गई तसल्ली आपको? मैंने तो पहले ही बताया था आपको। भाभी, आपको क्या बंटी और कंचन के बारे में पहले से पता था? आपने फिर कुछ मतलब वो होता है ना कि कभी कभी अंदर से आवाज आती है कुछ कुछ की, ऐसा कुछ है वैसे ही। आजकल जितनी भी सनसनी ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो मुझे कविता जी से पता चल जाती है। सीरियसली, बंटी और कंचन, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन अपनी रिएक्ट करना ही क्यों है? बंटी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सबको रिएक्ट करना पड़ेगा? भैया, प्रॉब्लम ना सही, पर बहुत सारे डिफरेंसेस तो है, और आप बंटी के फ्रेंड है तो हो सकता है कि आपको फर्क नहीं दिख रहा हो, पर हम सबको तो साफ दिख रहा है ना। अपनी जब दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना, तो उन्हें डिफरेंसेस और फर्क दिखाई देते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ सारे डिफरेंसेस भी मिट जाते हैं। और अपनी प्यार में ये सब हिसाब किताब वगैरह नहीं होता। बंटी और कंचन अब बड़े हो गए, मानता हूँ कि दोनों में फर्क है, पर दोनों अब समझदार है। शादी का फैसला कुछ सोच के लिया होगा ना? शादी करने का भी सोच रहे हैं? जी पापा, इनफैक्ट बंटी और कंचा चाहते हैं कि बंटी का रिश्ता हम लेकर जाएं चाचा चाची के पास। हाँ, मैंने तो कभी नहीं देखा बंटी के पापा मम्मी को कि अपने पुत्र की खबर ले। अकेला है बेचारा, हम सब में अपने परिवार को ढूंढता है। मम्मा, अब हम सभी तो उसकी फैमिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं और सुमन जाके चाचा चाची से बात करें। बेटा, तुम कहो तो हम भी साथ में चल सकते हैं। नहीं नहीं पापा, एक्चुअली बंटी के लिए हम ही बात करेंगे। ओके, ये सही है। अवनी आयान के बाद अब बंटी और कंचन का नंबर हमारे घर में तो जैसे शादी की बहार सी लग गई है ना भाई साहब? लेट हो रहा है, कैंट के लिए निकलते हैं। मैं चलता हूँ पापा। ओके बेटा। बंटी, इतनी देर चुप, कुछ नहीं है कहने को। अरे जब सब अजीब ही लग रही हो तो कोई क्या ही कहेगा ना कंचन, क्या ना, हम सोच रही है। हम सोच समझ रही है, पर हम जो भी सोच समझ रही है ना, वो सब गलत लग रही है। और पता नहीं वो नर्वस आ गई है हम, क्योंकि हम ये सोच रही है कि जब हम तुम्हारे घर पर आएंगे तो हमको कुछ लेकर आना चाहिए ना, या जे जे कपड़े में आएंगे अच्छा लगेगा, कुछ और पहन के आते, या हम बात कैसे कहेंगे उनके साथ, हम कुछ अलग। ये कौन सा बंटी है तो जरा सी बात पे इतना नर्वस हो गया है? प्यार मैंने उस बंटी से किया है जो जैसा भी है खुश है। तुम्हें किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है बंटी, ओके? नर्वसनेस में भी इतने क्यूट लग रहे हो, पहली बार देखा तुम्हें। एक बात बताए कंचा, जब से तुम हमें मिली हो ना, हमको ना हर चीज से डर लगता है, क्योंकि अब तुम ही तो हो हमारे पास, खो नहीं सकते हम तुमको। डर बिल्कुल निकाल दो मन से, क्योंकि मैं कहीं नहीं खो रही हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बंटी। हम भी, इसीलिए ना कब से माता रानी से बस जे ही मांग रही कि आज जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने समझा है, वो सही सलामत जाए। बस तुमने हमारे दो वकील देखे, श्रवण और सुमन? तुम्हें लगता है वो हमें हारने देंगे? नहीं ना, चांस ही नहीं है। अब चले। वैसे आई लव यू बोलने के बाद आज हम पहली बार मिल रहे हैं, कोई गिफ्ट नहीं लाए मेरे लिए? अच्छा, तुमने तो कुछ बताया नहीं कि हमको कोई तोहफा लाना है। और बंटी, टांग खींच रही हूँ मैं तुम्हारी, चलो। एक मिनट।
आई लव यू फिर से. आई लव यू टू. चले अब. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.